फ्रेंड, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पपाया का सब्जी। आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री है। दोस्तों, हमने लिया है पपाया, इसको हम छीलेंगे अच्छी तरह से, कद्दूकस करेंगे। और हमने लिया है दोस्तों पंचफोरन और हरी मिर्च कटा हुआ, नमक है स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, मसाला है सब्जी। दोस्तों, इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से छीलेंगे, उसके बाद कद्दूकस करेंगे। दोस्तों, हमने इसका आधा ही भाग लिया है, पूरा नहीं लिया है। अब हम इसको ऐसे काटेंगे लंबा लंबा, उसके बाद ऐसे बीच में से साफ करेंगे। दोस्तों, अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। दोस्तों, हमने पपाया कद्दूकस कर लिया है। आप इसके गुण तो जानते ही हैं, कच्चा भी फायदा करता है, पका भी फायदा करता है। अब हम इसका सब्जी बनाएंगे। दो से एक से दो चम्मच तक तेल लिया है हमने, बड़ा चम्मच। अब हम डालेंगे एक चम्मच पंचफोरन, छोटा चम्मच है पंचफोरन। दोस्तों, हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रहे हैं। अपना तड़का लाल हो गया, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ पपाया डालेंगे। दोस्तों, एक बार इसको जरूर टेस्ट करिएगा बना के, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट लिए स्लो आंच पे इसको हम रख देंगे। दोस्तों, 5 मिनट हो गया, अब हम इसको देखेंगे पता है कि नहीं। हाँ, हल्का ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार 2 छोटा चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम पकाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, ध्यान रहे दोस्तों इसमें हार्ड मसाला नहीं पड़ता है। दोस्तों, हमने मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके इसको स्लो आंच में 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ढक के रख देंगे। दोस्तों, अपना सब्जी पक के रेडी है, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अपना पपाया का सब्जी तैयार है। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सब्जी है।
अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।